अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबका रमजान करीम। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी बॉडी को या अपने फेस को हम किस तरह से घर में स्किन पॉलिश कर सकते हैं। तो जी हाँ, हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतने ढेर सारे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही कम पैसों में हम अपनी बॉडी को अपनी स्किन को बॉडी को कह लें, जिसको भी कह सकते हैं, तो हम घर में ही पॉलिश कर सकते हैं। वो कैसे ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मगर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले, कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे चिटचैट करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज है। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो ब्यूटी से रिलेटेड तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के और फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलो तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों से। तो सबसे पहले हमें चाहिए बूस्टर, सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर। ये आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा, तकरीबन 150 का ये मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे चाहिए हमें एलोवेरा जेल, जो कि हर लोकल मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे चाहिए हमें सॉफ्ट टच का ही वाइटनिंग पाउडर। ये देख लें आप, सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर, ये भी आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा। एक खाली बॉल चाहिए हमें, ब्रश चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए एक्टिवेटर। किसी भी उसका हम एक्टिवेटर्स ले सकते हैं। ये मैंने लिया है स्विस ट्रीटमेंट का, ठीक है। एक्टिवेटर चाहिए, आप चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। ये देखें 1 टीस्पून हमने लिया है एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून ही हम लेंगे सॉफ्ट टच का वाइटनिंग बूस्टर, ठीक है। ये हो गया, और लेंगे हम वाइटनिंग पाउडर। ये देखें हम लेंगे इसका क्वार्टर, इतना ही लेंगे हम वाइटनिंग बूस्टर नहीं, वाइटनिंग पाउडर भाई, ठीक है। और अगर हम एक चीज अब इसमें याद रखिएगा, इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आप कर रहे हैं फुल बॉडी पर, हाथ और पांव पर, फेस के अलावा, ठीक है, फेस के अलावा अगर आप कर रहे हैं, तो इसका फुल हाफ जो है इसका हमने एक्टिवेटर लिया, ये इसमें आधा मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और अगर फेस पे कर रहे हैं तो जितना हम ब्लीच में यूज करते हैं उतना ही इसको यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का स्पून लिया है, जो कि आपने नहीं लेना, ठीक है। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं एक्टिवेटर्स के, वो इसमें हल हो जाए। ये देखें, अब मैं आपको पहले मैं उतार दूं अपने जेवरात, मैं उतार देती हूँ अपनी ये और पकड़ लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, ये मेरे हाथ पे ये निशान है क्योंकि मैं गिर गई थी ना, तो ये उसका निशान पड़ा हुआ है, नील पड़ा हुआ है, चला जाएगा। चलें जी लगाते हैं इसको। इससे आपकी स्किन ना तो रैशेस पड़ेंगे आपकी स्किन पे और ये वाइट हो जाएगी,
कि मैं ये घर में खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि पार्लर में जाओ तो यार एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही हम लोग नहीं जा सकते, फिर दूसरा रमजान आ गए और टाइम नहीं होता, तो बेहतर है कि हम घर में इसको इजीली कर सकते हैं। और पार्लर में वैसे भी पैसे बहुत ही कुछ ज्यादा ही ले लेती हैं, फिर उनके नखरे भी बहुत होते हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? मैं आती हूँ आपके पास 10 मिनट्स के बाद, ठीक है? 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको रिमूव करते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। स्पंज ले लें गीला और इसको साफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यार ये लो, अच्छा रहा ना डिफरेंस, देखें ये देखें डिफरेंस आपके सामने है, हुई ना बॉडी पॉलिश। बिल्कुल, बहुत इजी मेथड है यार, बहुत इजी, बहुत इजी, यानी कि कह लें कि इतना इजी तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा यार आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे मालूम है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अब लाजमी कर दो, ठीक है? और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और नई आने वाली वीडियो के लिए मेरे बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं रमजान में इसी तरह आपको गाइड कर सकूं, ताकि आप अपनी ब्यूटी को एनहेंस करें घर में रहकर। बाहर जाने की जरूरत क्या है, वैसी कोरोना फैला हुआ यार, घर में रहो तो, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय।